26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस। 72वें गणतंत्र दिवस पर किसानों की विशाल रैली ने इतिहास में अपना नाम दर्ज करा दिया है। यह रैली दुनिया की ऐसी पहली रैली है जिसमें सरकार के खिलाफ देश के इतने अधिक किसानों ने हिस्सा लिया है और सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। कृषि सुधारों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने मंगलवार को राजधानी में पुलिस द्वारा लगाए सारे बैरिकेड्स तोड़ दिए और पुलिस कर्मियों से भिड़ गए। किसानों की बाढ़ को रोकने के लिए पुलिस को आंसू गैस भी छोड़ने पड़े, लेकिन फिर भी किसानों को रोकने में पुलिस पूरी तरह से नाकाम रही और किसान लाल किला पहुंच ही गए। मंगलवार सुबह निकली किसानों की ट्रैक्टर रैली देशभक्ति से सराबोर रही। रैली में आए किसानों ने अपने ट्रैक्टरों पर साउंड सिस्टम लगा रखे थे जिसमें देशभक्ति के गाने बज रहे थे और जय जवान जय किसान के नारे भी लग रहे थे। पुलिस प्रशासन और किसान नेताओं के बीच तमाम असफल बैठकों के बाद सोमवार को दिल्ली पुलिस ने किसानों को ट्रैक्टर रैली की इजाजत दे दी। पुलिस ने किसानों को ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए दिन में 12 बजे का समय दिया और किसानों ने तीनों विवादित कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करते हुए पुलिस के सारे बैरिकेड्स तोड़ दिए और राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं में प्रवेश कर गए। रैली में आया किसान सरकार और पुलिस की हर बाधा को तोड़ने के लिए पूरी तरह से कमर कसकर आए हुए थे। किसान अपनी ट्रैक्टर रैली में हजारों ट्रैक्टरों के अलावा मोटर बाइक, घोड़े और यहां तक कि क्रेन भी लाए थे। किसानों की ट्रैक्टर रैली को रोकने के लिए पुलिस अधिकारी नांगलोई में सड़क के बीचों बीच बैठ गए, लेकिन फिर भी किसानों ने अपने ट्रैक्टर को लाल किले की तरफ कूच करा ही दिया। रैली में लोगों की भीड़ को शामिल होने से रोकने के लिए दिल्ली मेट्रो ने अपने कई स्टेशनों को बंद भी कर दिया। किसानों के खिलाफ पुलिस के बल प्रयोग पर सभी किसान नेताओं ने पुलिस प्रशासन और सरकार की भी निंदा की। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की इस रैली का परिणाम चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन किसानों ने यह जता दिया है कि कृषि कानूनों के खिलाफ वो पीछे मुड़ने वाले नहीं है।